पहली वीडियो में जिस तरह आपने देखा कि कोरिया से माल कैसे आ रहा है और किस किस कंपनी से आ रहा है और भारत से कोरिया में क्या क्या सामान भेजा जा रहा है, अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोरिया से पुराने कपड़ों का कंटेनर कैसे मंगवाएं, या फिर इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ डीए न्यूज में। जिस तरह से आप सभी को पता है कि भारत के हर कोने में पुराने कपड़े का व्यापार की जद्दोजहद चल रही है, हर व्यापारी ये चाहता है कि उसे एक क्वालिटी या फिर अच्छे कंपनी का माल मिले, मगर व्यापारियों के पास अच्छी कंपनी का माल नहीं पहुंच पा रहा। इसी कारण व्यापारी पैसे लगाकर लाख का 10 लाख करने की जगह अच्छा माल न मिलने पर लाख रुपए डुबो रहे हैं। इसलिए डीए न्यूज आप सभी की परेशानियां और भारी नुकसान को देखते हुए आप सभी को इम्पोर्टर बनाना चाहता है। आप सभी 1 लाख में इम्पोर्टर बन सकते हैं। और आप सभी को बता दें, अगर आपने माल अगर 1 लाख में लिया या फिर इम्पोर्ट किया, तो हम सभी आपको बता दें कि अगर अपने ये माल 2 साल तक भी बेचा तो भी ये खत्म नहीं होगा। ये माल आपको बाहर से मंगवाना है। और आप सभी को बता दें कि इन सब प्रोसेस या कार्रवाई में क्या पेपर और डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। पहला आधार कार्ड जो हर भारतीय के पास होता है, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा है जीएसटी नंबर। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो अपने नजदीकी चार्टर्ड अकाउंट यानी सीए से आप ऑनलाइन जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा डॉक्यूमेंट है एमएसएमई, इसका फुल फॉर्म है सूक्ष्म लघु अवन मध्यम उद्यम। इसे आप कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने के 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मिल जाता है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है। अब आपको कैसे कंटेनर मंगवाना है ये लेना है। जिस तरह से गुजरात के बंदरगाह पर आप जाओगे तो देखोगे कोरिया से बहुत सारे कपड़ों का कंटेनर आया हुआ है जो कि किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रुका हुआ है। यहाँ आपको बंदरगाह पर ही कस्टम ऑफिस के कुछ अधिकारी मिलेंगे जिनसे आप ऑक्शन की लिस्ट ले सकते हैं। इस लिस्ट में कंटेनर के नंबर, कंटेनर के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है सब लिखा होता है। और आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए लिस्ट में देखकर कंटेनर नंबर और लिस्ट में कस्टम के अधिकारी को बताना होगा। फिर कस्टम के अधिकारी ऑप्शन की नीलामी की तारीख, जगह जानकारी बताएंगे, समय की जानकारी भी आपको देंगे, जिसके द्वारा आप बताए गए समय की तारीख और जगह पर आप कंटेनर चेक कर सकते हैं। कंटेनर में आपको समझ का कपड़ा या माल है और आपको अपने मतलब का कंटेनर मिलने पर कंटेनर नंबर या कंटेनर कोड के जरिए आप ऑनलाइन कस्टम अधिकारी द्वारा तय की गई कंटेनर की गई रकम देखकर नीलामी से अपना कंटेनर ले सकते हैं। ऑक्शन या नीलामी से कंटेनर कैसे ले, तो दोस्तों अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि ऑक्शन या नीलामी में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और कंटेनर कैसे लें। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी को बता दें कंटेनर की रिसीविंग कैसे लें। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आपको इन सभी में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, एमएसएमई, पेपर की जरूरत पड़ती है। पेपर की मदद से आपको कस्टम अधिकारी द्वारा कंटेनर का रिसीविंग करना होगा और कस्टम से अपना कंटेनर वापस करना होगा, जिसमें आपको अपने सभी पेपर या डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं। ये सभी काम आप किसी ब्रोकर द्वारा भी करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इन सब की जानकारी नहीं होती है। तो जैसे अब तक हमने आपको दस्तावेज से लेकर कंटेनर खरीदने तक की सारी जानकारी दी है, और अगर आपको और भी डिटेल की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं कोरिया से डायरेक्ट कंटेनर कैसे इम्पोर्ट करें, जिस वीडियो का नाम होने वाला है एक्सपोर्ट सरप्लस डायरेक्ट परचेजिंग कोरियर पार्ट 3। दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने चैनल डीए न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।